अब मानेंगे नहीं गुड़गांव की बात बताता हूं मैं आपको हम एक इंडस्ट्री से मिलने गए थे उन्होंने कहा मैं तो बेटे से बड़ा परेशान हूं आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स गुड़गांव में बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं लंच टाइम में कोई ना कोई आके सप्लाई करता है गेट के पास आकर तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो अपने बेटे से बड़ा परेशान हूं एक बार हमारे घर में गेस्ट आए थे मैंने बेटे से कहा बेटा अंकल आए आके मिल लो मैंने कहा ओके okay, डैड मैं आ रहा हूं अभी मूवी चल रही है ना नेटफ्लिक्स में नेटफ्लिक्स ने ने मूवी चल रही है वो मूवी का लास्ट सीन है वो देख ही मैं आऊंगा रात के साढ़े दस ग्यारह बज गए मूवी देख रहा बेचारा बेचारा नहीं है और तो मैंने अपने बेटे को कहा बेटा पीना ही है तो सिगरेट पी लेना ड्रग्स मत लेना बेटा कितनी अच्छी बात बोली मतलब डैड जो है उनके डैड जो है वो डैड पता नहीं डैड डैड है या क्या है डैड उनके इतने हताश इतने परेशान है बच्चे से कह रहे हैं बेटा अगर पीना है तो सिगरेट पी लेना लेकिन कृपा करके ड्रग्स मत लेना ये हालत है सोच के देखिए स्कूल्स की हालत है बच्चों की जो स्कूल में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्मोक कर रहे हैं वो ड्रग्स ले रहे हैं एक स्कूल है पश्चिम पंजाबी बाग में पंजाबी बाग के पश्चिम बिहार में एक स्कूल है ग्यारहवीं क्लास का विद्यार्थी वॉशरूम में खड़ा रहा था खड़ा हुआ था टॉयलेट में कहीं वॉशरूम में था लड़ खड़ा रहा था ऐसे झूम रहा था उसके हाथ में वाटर बॉटल था तो टीचर ने देख लिया टीचर को शक हुआ ये क्या ऐसे ऐसे से झूम रहा है क्योंकि टीचर को एक्सपीरियंस है टीचर शी वॉज एन एक्सपीरियंस लेडी वो समझ देख के पहचान गई कि दिस बॉय ड्रंक जिसने खुद पिया होगा उसको तो एक्सपीरियंस होगा ना दूसरे का भी तो वो लाओ बॉटल क्या है बॉटल के अंदर बॉटल का ढक्कन खोला जानते क्या था पानी नहीं था पानी जैसा रंग था पर था वोट का वो लड़का वोट का पी रहा है ग्यारहवीं क्लास का स्टूडेंट स्कूल के अंदर पब्लिक स्कूल है माता पिता सोच रहे हैं बच्चा पढ़ने गया है खूब डोनेशन दिया है हमने हमारे बेटे को जो है अच्छी पढ़ाई हो रही है वहां पे खूब अच्छा एजुकेशन मिलेगा उसको एक